हेलो फ्रेंड्स, माथुर क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ने पिछले वीडियो में इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा था। इंडक्शन मोटर में क्या है कि पहले तो पढ़ी थी रोटर स्लिप, पढ़ी थी रोटर फ्रीक्वेंसी, पढ़ी थी और सिंक्रोनस स्पीड पढ़ी थी। उसके बाद वाले वीडियो में अपन ने रोटर कॉपर लॉसेज के बारे में पढ़ा था और टॉर्क के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो कितने प्रकार की होती है। तो वो अपन ने पहले भी देखा था। तो पहला लिखा पढ़ते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है जो क्या नाम से ही पता है, स्क्वायरल यानी कि स्क्वायरल अपन किसे कहते हैं, गिलहरी को। क्या स्क्वायरल किसे कहते हैं, गिलहरी को। केज यानी कि पिंजरा। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इसको अपन कहते हैं गिलहरी के पिंजरे के समान जो मोटर होती है वो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है। अब इस मोटर के अंदर क्या होता है, दो भाग होते हैं। क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है स्टेटर और एक होता है रोटर। ये अपन को पहले ही पता है कि भाई एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। स्टेटर जो होता है हमेशा स्थिर रहने वाला भाग होता है वो स्टेटर कहलाता है। स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग स्थापित होती है और इस वाइंडिंग को है जो लेमिनेटेड लो क्रोड पर स्थापित कर देते हैं। वाइंडिंग में आर वाई बी तीन थ्री फेज होएगा तो आर वाई बी तीन वाइंडिंग होगी। इन तीनों वाइंडिंग की सेटिंग ऐसे करते हैं कि तीनों 120 डिग्री के डिफरेंस पर रहे। वाइंडिंग सहित क्रोड को लोहे या कास्ट आयरन के फ्रेम पर योग पर कस दिया जाता है। सभी वाइंडिंग सेट को आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो क्या है, सबसे बड़ी बात जो आती है कि भाई स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है उसमें वाइंडिंग होती है थ्री फेज वाइंडिंग, इनका आपस में डिफरेंस कितना होता है, तो 120 डिग्री का डिफरेंस होता है तीनों को। और तीनों को आपस में क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करके एक टोटल 6 तार होते हैं जो बाहर निकाल लेते हैं और उनको फ्रेम पे बने और टर्मिनल बॉक्स में से ले जाते हैं और संयोजक सिरों से स्टार या डेल्टा संयोजन में कनेक्ट करते हैं। जैसे ये अपन ने देख लिया, ये डायग्राम देखा है, ये स्टेटर है। ये बाहर का पोर्शन क्या होता है, स्टेटर होता है जो हमेशा स्टेशनरी पार्ट होता है या स्थिर भाग होता है। इसमें ये अंदर बाइंडिंग पे स्थापित पोल्स संयोजित होते हैं। पोल्स क्या है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे पोल्स होते हैं। इन पोल पे इन वाइंडिंग कर देते हैं, वाइंडिंग फर्स्ट वाइंडिंग सेकंड और वाइंडिंग थर्ड आर वाई बी तीन वाइंडिंग स्थापित कर देते हैं। जब अपन ये अंदर के रोटर का भाग होता है, जब अपन इसको एक वाइंडिंग को लेके अपन देखते हैं कि एक वाइंडिंग को अपन करते हैं सप्लाई देते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे एक वाइंडिंग का अपन ने देख लिया तो अब इसमें सप्लाई देंगे। जैसे सपोज किया इसी वाइंडिंग को अपन ने ले लिया, इसमें अपन सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देंगे तो करंट क्या होगा, फ्लो इधर होएगा और इसमें इधर होगा, इधर से जाके इधर आएगा या इधर जा रहा है। यानी कि ये जो राइट एंड रूल है, राइट एंड रूल में ये क्या है, करंट की फ्लो कैसी जा रही है, यूं जा रही है। तो ये राइट एंड रूल में यहाँ पे ये करंट आएगा और लेफ्ट वापस ये इधर आ रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड रूल है। तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा, करंट की दिशा यूं घूमेगी। तो ये इसमें तो इसमें क्या होता है कि एसी वाइंडिंग में अपन देखते हैं कि एसी सप्लाई देते हैं तो क्या ये ऐसे बनती है वेव फॉर्म। तो क्या होती है, पॉजिटिव और ये होती है नेगेटिव। तो पॉजिटिव फॉर्म में एक बार अपन सप्लाई देंगे और फिर वापस इधर से करेंगे तो एक बार तो पॉजिटिव से निकलेगी और फिर दूसरी जो वापस आएगी तो ऐसे नेगेटिव से निकलेगी। तो ये ऐसे सप्लाई का जो होता है वेव फॉर्म ऐसे होता है। तो जैसे थ्री फेज है तो तीन जैसे इससे करेंगे तो फिर भी ऐसे होंगे, फिर इससे, इन तीनों को आपस में 120 डिग्री के डिफरेंस पर रखते हैं। फिर आता है दूसरा पोर्शन रोटर। कौन सा आता है दूसरा पोर्शन,
सबॉर्डिनेशन आता है रॉटर, रॉटर यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, रॉटर यानी कि रोटेट करने वाला। तो इसमें लिखा है इंडक्शन मोटर का घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है। रोटर यानी कि समझ में आ रहा है कि नाम से ही कि रोटेट कर रहा है, रोटर यानी कि घूमता है। स्क्वायरल केज मोटर का रोटर की संरचना गिलहरी के पिंजरे के समान होती है। स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, केज यानी कि पिंजरा, तो गिलहरी के पिंजरे के समान इसकी होती है बॉडी। इस कारण इस रोटर का नाम स्क्वायरल केज रोटर भी कहते हैं। ये रोटर क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रोटर दो कौन से होते हैं? स्क्वायरल केज रोटर दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल केज रोटर और दूसरा होता है डबल केज रोटर। सिंगल केज रोटर का अपन ने ये डायग्राम देखा है। इसमें क्या है डायग्राम में कि एक खोखला बेलनाकार भाग है, इसमें तांबे की छड़े स्थापित की जाती है और इसमें छड़ों के दोनों सिरों पे क्या है तांबे के छल्ले बनाए जाते हैं, ये रिंग्स बनी हुई हैं और इन रिंग को अपन वेल्डिंग द्वारा जोड़ देते हैं और इसमें शॉर्ट इनमें आपस में क्या होते हैं शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और इसके कारण वाइंडिंग्स है जो रोटर में वाइंडिंग्स काम करता है। इसमें क्या है स्क्वायरल केज मोटर में तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम के भी छल्ले काम में ले सकते हैं। अब रोटर को क्या है विद्युत सप्लाई से संयोजित नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है रोटर को हमेशा विद्युत सप्लाई से संयोजित नहीं करते। विद्युत सप्लाई से संयोजित किसे करते हैं? स्टेटर को। स्टेटर को हमेशा विद्युत सप्लाई से संयोजित करते हैं। उससे क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया होती है स्टेटर के द्वारा जो है विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। उससे क्या है कि रोटर के चुंबक के क्षेत्र तथा टॉर्क एक समान होता है और छड़ों के साथ को ठीक समानांतर स्थापित नहीं करता है कि ऐसी स्थिति में इसको स्थापित किया जाता है। दूसरा आता है डबल केज रोटर। डबल केज ये डबल केज का अपने पास डायग्राम है। इसमें क्या है कि रोटर के में चालक की छड़े दो परत में होती है। किस में होती है? दो परत में होती है। बाहर वाली जो होती है उसको आउटर केज कहते हैं, अंदर वाली जो होती है उसे इनर केज कहते हैं। बाहर वाली जो है उच्च प्रतिरोध वाली धातु होती है, उच्च प्रतिरोध वाली धातु मतलब कि पित्तल से बनी हुई होती है और जो अंदर वाली जो होती है वो तांबे की बनी हुई होती है। इसमें ये डबल केज वाली होती है। इसमें इस टाइप की मोटर मतलब यूज लेते हैं। तो क्या हो गया डबल सिंगल केज और डबल केज रोटर। ये इसका नाम क्या अपन ने रख दिया है डबल केज। ये कौन सा है? डबल केज रोटर। तो ये जो रोटर है अपन ने देख लिए, एक तो होता है सिंगल केज रोटर, एक होता है डबल केज रोटर। रोटर में कभी भी सप्लाई नहीं दी जाती है, सप्लाई हमेशा स्टेटर में दी जाती है और उसमें रोटर घूमता है और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रकार क्या है कि ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर अपन ने ये आज पढ़ा है। अब अपन पढ़ेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब अपन पढ़ते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के बारे में। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि स्क्वायरल केज मोटर की अपेक्षा ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क प्राप्त करने के लिए क्या है वाउंड रोटर का प्रयोग किया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या है? इंडक्शन मोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, उससे स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम प्राप्त होता है, परंतु स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से क्या स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा प्राप्त करते हैं। इस मोटर की वाइंडिंग को एक थ्री फेज बाह्य प्रतिरोध से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या होती है कि जो वाइंडिंग होती है ये अपन देख रहे हैं डायग्राम में, इसमें थ्री फेज वाइंडिंग होती है और ये बाहरी प्रतिरोध होता है, इनको किससे कनेक्ट करते हैं? स्लिप रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। एक इसको इस स्लिप रिंग से, इसको इस स्लिप रिंग से, इसको स्लिप रिंग। स्लिप रिंग भी कितनी थी? तीन होती है, तीनों को तीन स्लिप रिंग को तीनों वाइंडिंग से इसे कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसमें क्या है कि जैसे ही अपन मोटर को थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो उसके स्टेटर में क्या स्क्वायरल केज मोटर की तरह ही है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न पैदा होता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है रोटर की वाइंडिंग में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है और रोटर वाइंडिंग है जो स्लिप रिंग तथा ब्रशेज जो प्रतिरोध के बनने परिपथ से करंट फ्लो रोटर में करंट फ्लो होने
लगता है। इसमें क्या होता है कि जब बाह्य प्रतिरोध है, मतलब बाहर का जो प्रतिरोध है, उसके कारण क्या होता है कि करंट का मान कम रहता है। इसमें क्या रहता है, करंट का मान कम रहता है यानी कि निम्न रहता है, परंतु टॉर्क का मान हमेशा उच्च रहता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जावे कि भाई स्क्वायरल केज मोटर और स्लिप रिंग मोटर में टॉर्क किसका कम रहता है और किसका ज़्यादा रहता है, तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसमें हमेशा टॉर्क का मान उच्च रहता है। क्या रहता है, उच्च रहता है। जैसे जैसे मोटर को गति प्राप्त होती है वैसे वैसे अपन क्या बाह्य प्रतिरोध का मान घटाते रहते हैं, मतलब बाहर का जो प्रतिरोध है उसको कम करते रहते हैं कम करते रहते हैं। और जैसे जैसे अपन प्रतिरोध को कम करेंगे उसकी गति क्या है, अच्छी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक पूर्ण गति जितनी गति होनी चाहिए उतनी हो जाती है, तो अपन बाह्य प्रतिरोध को क्या है पूरा सर्किट से हटा देते हैं और मोटर चलने लग जाती है। अब ये जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है क्रेन में होता है, होस्ट में होता है, स्टील मिल्स में होता है, प्रिंटिंग प्रेस में होता है और कंप्रेसर में होता है। क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई स्लिप रिंग मोटर का उपयोग कहाँ होता है, तो आपको चार ऑप्शन देते हैं, तो उसमें से अपन को जो होता है वो लिखना पड़ता है। यह क्वेश्चन में ही आ जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस में कौन सी मोटर का प्रयोग होता है, तो अपन उसको बता देते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग होता है। अब अपन देख लेते हैं स्क्वायरल केज मोटर पढ़ी थी और स्लिप रिंग मोटर पढ़ी थी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि भाई कौन सी मोटर में क्या होता है, कौन सी मोटर में क्या होता है। अब स्क्वायरल केज मोटर है उसमें क्या होता है, रोटर में चालक स्थापित होते हैं, परंतु जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसमें रोटर में क्या होती है, वाइंडिंग स्थापित होती है। और जो स्क्वायरल केज मोटर होता है वो DOL स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के द्वारा कनेक्ट होता है, परंतु जो स्लिप रिंग मोटर होती है वो थ्री फेज रियोस्टेट के द्वारा चलाई जाती है। अब जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, जो स्क्वायरल केज मोटर में जो टॉर्क होता है वो निम्न रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क है वो निम्न रहता है, परंतु स्लिप रिंग मोटर में टॉर्क हमेशा उच्च रहता है। अब आती है करंट की बात कि भाई करंट किस में कितना रहता है, तो जो स्क्वायरल केज मोटर है उसमें करंट है जो उच्च रहती है, परंतु जो स्लिप रिंग मोटर है उसमें जो करंट है स्टार्टिंग करंट वो निम्न रहती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि जो टॉर्क है वो तो स्क्वायरल केज मोटर में कम रहता है, परंतु जो स्टार्टिंग करंट है वो हमेशा उच्च रहती है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में टॉर्क तो रहता है उच्च, परंतु स्टार्टिंग करंट होती है जो कम होती है। अब जैसे ही आपसे ये पूछ ले भाई स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट क्या होती है, स्टार्टिंग करंट ये होती है कि मोटर को स्टार्ट करते ही जो एम्पियर मीटर में करंट बताता है वो स्टार्ट करते ही एक सेकंड में वो कितनी करंट फ्लो बताता है वो होती है स्टार्टिंग करंट। रनिंग करंट ये होती है कि मोटर इसको स्टार्ट करने के बाद जो करंट चल रही है वो मीटर बताता है वो होती है रनिंग करंट। अब आती है कि पावर फैक्टर क्या होता, मतलब स्क्वायरल केज का कितना होता है, तो स्क्वायरल केज मोटर का पावर फैक्टर हमेशा 0.7 से 0.8 होता है, परंतु स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से 0.9 होता है। ये बात अपन को थोड़ी बहुत स्क्वायरल केज मोटर और स्लिप रिंग मोटर के बारे में अपन ने डिफरेंस देख लिया। आज अपन ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टार्टर्स के बारे में।